शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा देश मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा हुआ है। चारों तरफ माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान गरबा रास का भी आयोजन हो रहा है। सक्ती जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वाधान में गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। बीती रात विधानसभा अध्यक्ष व कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत इस आयोजन में शामिल हुई। कोरोना संक्रमण की समाप्ति के बाद नवरात्र का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर जगह दुर्गा पूजा का उत्सव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मां आदि शक्ति की धूमधाम से पूजा पाठ की जा रही है। साथ ही गरबा रास के आयोजन से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सक्ती जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वाधान में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। बीती रात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पत्नी व कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सहित पुत्र सूरज महंत शामिल हुए। मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर उन्होंने गरबा की शुरुआत की, जिसमें सभी का उत्साह देखते बन रहा था। डीजे की धुन पर हर उम्र के लोग थिरक कर मां की पूजा अर्चना कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है, एक उत्सव है, उमंग का त्यौहार है और हम सब लोगों को इस उत्सव में भागीदार होना चाहिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जितने भी यहाँ प्रतिभागी आएंगे उन्हें माता रानी आशीर्वाद दे। इनका क्लब महिला जागृति क्लब और मित्र मंडली मिल करके आने वाले वर्षों में और भव्य आयोजन करते रहे और हम लोग निश्चित रूप से अगले वर्ष यहाँ पूरी तरीके से भागीदारी निभाएंगे। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हर तरफ केवल नवरात्रि की धूम मची हुई है। विजयादशमी के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा। गरबा के आयोजन में शामिल होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत से चौहान की रिपोर्ट।